चुनाव चिन्ह साइकिल पर बटन दबाएं और समाजवादी पार्टी की कैंट विधानसभा से अधिकृत प्रत्याशी पूजा यादव को भारी मतों से विजयी बनाएं। 7 मार्च को वाराणसी कैंट से कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर राजेश मिश्रा को हाथ के पंजे के सामने बटन दबाकर भारी मतों से विजयी बनाएं। 7 मार्च को वाराणसी शहर दक्षिणी से कांग्रेस प्रत्याशी मुदिता कपूर को हाथ के पंजे के सामने बटन दबाकर भारी मतों से विजयी बनाएं। वाराणसी में सोमवार को मिले रिपोर्ट के अनुसार 9 कोरोना मरीज मिले हैं। बीते 24 घंटे में कोरोना से किसी मरीज की मौत नहीं हुई है। सोमवार को होम आइसोलेशन से 8 मरीज स्वस्थ हुए हैं। कोविड हॉस्पिटल से किसी मरीज को छुट्टी नहीं मिली है। वाराणसी में तीसरी लहर में अब तक 13,424 पॉजिटिव मरीज मिल चुके हैं। इनमें से 13,294 लोग स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि एक्टिव केसों की संख्या 117 है। वाराणसी के सारनाथ थाना क्षेत्र के अकथा स्थित काशीराम आवास में एक सफाई कर्मी ने दूसरे सफाई कर्मी को 25 रुपए चंदे के विवाद में चाकू मारकर उसकी हत्या कर दी। इस विवाद में मृतक की पत्नी भी गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसका इलाज कबीर चौरा अस्पताल में चल रहा है। वहीं सारनाथ थाना प्रभारी अर्जुन सिंह ने बताया कि समरसेबल पंप बनवाने के लिए 25 रुपए का चंदा देने के विवाद में पड़ोसी सफाई कर्मी राजेश ने दंपति पर चाकू से ताबड़तोड़ वार किया, जिसमें सफाई कर्मी की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस आरोपी राजेश की तलाश कर रही है। वाराणसी न्यायालय में सोमवार को उस समय हड़कंप मच गया जब कोर्ट मैरिज करने पहुंचे एक युवक ने कोर्ट रूम के बाहर विषाक्त पदार्थ खा लिया। विषाक्त पदार्थ खाते ही युवक गिरकर तड़पने लगा और उसके मुंह से झाग आने लगा। साथ आए परिजनों ने फौरन एम्बुलेंस को फोन किया और कुछ क्षण में पहुंची एम्बुलेंस से युवक को लेकर पंडित दीनदयाल अस्पताल पहुंचे, जहां युवक की हालत अभी स्थिर है। जानकारी के अनुसार चंद्रशेखर और उसके पड़ोस में रहने वाली युवती का प्रेम प्रसंग चल रहा था और लड़के के परिजन कोर्ट मैरिज करवाने के लिए कोर्ट आए थे। कोर्ट मैरिज के पहले लड़के ने कहा कि वो लड़की से अकेले में बात करना चाहता है, जिसके बाद लड़के ने साथ लाए विषाक्त पदार्थ को खा लिया। बता दें कि लड़का और लड़की दोनों चोलापुर थाना क्षेत्र के सरैया गांव के रहने वाले हैं। पहले से इन लोगों का प्रेम कहानी चल रही थी, जो कि उसके बीच में इन लोगों के बीच कोई भी तनाव कुछ भी हुआ, अब क्या हुआ वो लोग जानते हैं दोनों बीच लोग। ठीक है, आज क्या घटना घटी है? आज तो कोर्ट में इन लोगों शादी के लिए हम लोग आए थे, कोर्ट मैरिज के लिए। फिर क्या हुआ? वहाँ पे लड़का बोला कि लड़की को एक साइड करिए, साइड करने के बाद दोनों लोग आपस में हम लोग बात करेंगे। बात करने के बाद जो अपना बात किए, उसके बाद लड़की को लड़का बोल रहा था हम इस शादी से रजामंदी नहीं हैं। लड़की बोली कि ठीक है, आप रजामंदी नहीं हो लगी तो हम क्या करें। तो उसके बाद जो अपना लड़का जहर के लिया पॉइजन। आगामी 7 मार्च को होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर हर पार्टी के बड़े नेता अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए इन दिनों वाराणसी पहुंच रहे हैं। इसी क्रम में सपा पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव राम गोपाल यादव भी सोमवार को वाराणसी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की 3 मार्च को होने वाली संयुक्त जनसभा को लेकर चल रही तैयारियों का जायजा लिया। बता दें कि इस जनसभा को सफल बनाने के लिए पार्टी के राष्ट्रीय स्टार के पदाधिकारियों का जुटान शहर में पहले से ही होने लगा है। वहीं पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष किरणमय नंदा लगातार इस कार्यक्रम की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। वाराणसी में 3 मार्च को शिवपुर विधानसभा के एढ़े गांव में पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की जनसभा को लेकर सपा पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष किरणमय नंदा ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान यू जनसभा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास यादव भी इस प्रेस वार्ता में मौजूद रहे। इस दौरान किरणमय नंदा ने कहा कि ममता बनर्जी और अखिलेश यादव की रैली उत्तर प्रदेश की जनता को बीजेपी के कुशासन से मुक्ति का प्रतीक बनेगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य उद्देश्य है तीसरी मार्च सुबह 10 बजे ममता जी पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी जो 2022 में आने वाले मुख्यमंत्री का एक बहुत बड़ा रैली होगा और रैली को संबोधित करेंगे। आज पेश वार्ता में ये देना चाहते हैं ये 5वां चरण जो चुनाव खत्म हो चुका, सरकार बनाने के लिए जो आसन चाहिए 203 आसन, 5वां चरण चुनाव खत्म होने का बाद समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन को वो आसन मिल चुका। समाजवादी पार्टी का गठबंधन 2022 में उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएंगे भारी बहुमत से और अखिलेश यादव दूसरी बार उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री होंगे।
चुनाव चिन्ह साइकिल पर बटन दबाएं और समाजवादी पार्टी के शहर उत्तरी विधानसभा से अधिकृत प्रत्याशी अशफाक अहमद डब्ल्यू को भारी मतों से विजयी बनाएं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सोमवार को चंदौली के चकिया विधानसभा में काटा गांव स्थित जनता इंटर कॉलेज के ग्राउंड पर जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने जनता को सरकार के विकास कार्य व नीतियां बताई। वहीं सपा पर जमकर निशाना साधते हुए अखिलेश को आतंकवादियों का संरक्षण दाता बताया। उन्होंने कहा कि सपा के शासनकाल में 5 साल तक माफियाओं व गुंडों का राज था। पहले गुंडे हथियार लेकर आम जनता को डराते थे, भाजपा ने माफियाओं की नकेल कसने का काम किया है। शिव की नगरी काशी में मंगलवार को होने वाले महाशिवरात्रि की तैयारी अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। काशी विश्वनाथ धाम के आसपास बैरिकेडिंग लगाई जा रही है ताकि भक्तों की भारी भीड़ को नियंत्रित किया जा सके। वहीं सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। बता दें कि काशी विश्वनाथ धाम समेत आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ा दी गई है। मैदागिन से गुदौलिया तक बैरिकेडिंग की व्यवस्था की गई है। श्रद्धालु इसी से लाइनबद्ध होकर बाबा के दर्शन को जाएंगे। जितने भी प्रवेश और निकास द्वार हैं वहां पर भी पुलिस की ड्यूटी लगाई गई है। पूरे क्षेत्र में सीसीटीवी कैमरे की मदद से निगरानी की जाएगी। बेंगलुरु साउथ से भाजपा के सांसद और भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या सोमवार को वाराणसी पहुंचे। सूर्या वाराणसी के लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट से सीधे श्री काशी विश्वनाथ धाम पहुंचे। यहां तेजस्वी सूर्या के समर्थन में सैकड़ों भाजयुमो के कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान तेजस्वी सूर्या ने कहा कि भाजपा की उत्तर प्रदेश में अभूतपूर्व जीत होने जा रही है। तेजस्वी सूर्या ने दर्शन के पहले कहा कि पूरे उत्तर प्रदेश में योगी जी और मोदी जी की लहर है। भाजपा की अभूतपूर्व जीत पूरे उत्तर प्रदेश में होगी। भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बेंगलुरु साउथ से लोकसभा सांसद तेजस्वी सूर्या सोमवार को श्री काशी विश्वनाथ दर्शन के लिए पहुंचे। यहां उनके स्वागत के लिए सैकड़ों कार्यकर्ता विश्वनाथ धाम के गेट पर मौजूद थे। ऐसे में मंदिर में दर्शन के लिए एक साथ हुजूम बनाकर घुस रहे कार्यकर्ताओं को जब धाम के सुरक्षा कर्मियों ने रोका तो पुलिस कर्मियों और कार्यकर्ताओं में जमकर धक्का मुक्की हुई, जिसमें कई कार्यकर्ता और पुलिस कर्मी सड़क पर गिर पड़े। वहीं धक्का मुक्की के बाद आक्रोशित हुए कार्यकर्ताओं ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी, जिसके बाद पुलिस अधिकारियों ने कार्यकर्ताओं को शांत करवाया और फिर उन्हें एक एक करके अंदर भेजा। कमिश्नर दीपक अग्रवाल तथा जिला निर्वाचन अधिकारी कौशलराज शर्मा द्वारा सोमवार को कमिश्नरी ऑडिटोरियम में मतदाता जागरूकता की बैठक को संबोधित किया गया। इस दौरान उन्होंने बीएलडब्ल्यू और बीएचयू के मतदाताओं के लिए कहा कि जहां शिक्षा का संचार होता है वहां बड़े बड़े इंजीनियर और शिक्षित लोग इसके अलावा डॉक्टर्स पद्म भूषण पद्म विभूषण पद्मश्री आदि सम्मान से अलंकृत इतनी विभूतियां हो वहां का वोटिंग प्रतिशत कम होना लोकतंत्र में आस्था का अभाव दर्शाता है। इससे लोकतंत्र कमजोर होता है। ऐसे में जो लोग वोट नहीं देते वो सरकार के विरोध में बोलने के हकदार नहीं है। चुनाव चिन्ह झाड़ू पर बटन दबाएं। वाराणसी शहर उत्तरी विधानसभा से आम आदमी पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी डॉक्टर आशीष जायसवाल को भारी मतों से विजयी बनाए। डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव VNS पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ लाइव VNS से। बनारस की ताजा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव VNS ऐप या फॉलो कीजिए लाइव VNS को सोशल मीडिया पर।